जिसमें दर्दनाक हादसा हुआ है। एक आयरन बीम के गिर जाने से 18 लोगों की मौत हुई थी। वो बनारस जिसे क्योटो बनाने की बात की गई थी, क्योटो, जी हाँ। और आज वो बनारस जिसकी तंग गलियों में अभी भी लोग जिंदा हैं, उन तंग गलियों से गुजरना उनके लिए एक जद्दोजहद, एक संघर्ष है। और आज कई कार्स, कई ऑटोज, कई रिक्शे के ऊपर एक बीम गिर गया और उसको लेकर भी विवाद है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उस बीम को रखा जा रहा था और नीचे ट्रैफिक चल रहा था, तब जाके वो बीम गिरा। मगर प्रशासन कह रहा है कि नहीं, बीम पहले से ही रखा हुआ था और वो अचानक गिर गया। यानी कि इतना घटिया काम, इतना घटिया काम। और सवाल ये कि जवाबदेही किसकी? आपने अधिकारियों को सस्पेंड तो कर दिया है, इंजीनियर को सस्पेंड तो कर दिया है, मगर क्या आप हमें बताने का प्रयास करेंगे कि इस राज्य का नगर सेतु निगम मंत्री कौन है? केशव प्रसाद मौर्य, राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, वो हैं नगर सेतु मंत्री। क्या इसकी कोई राजनीतिक जवाबदेही तय की जाएगी? क्योंकि देखिए, दिक्कत क्या हो रही है उत्तर प्रदेश के साथ कि किसी भी मुद्दे पर सियासी जवाबदेही नहीं तय की जाती है। गोरखपुर में मासूमों की मौत हो जाती है तो उसका जिम्मा अगस्त महीने को दे दिया जाता है। बाद में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आकर कहते हैं कि साहब, परिवार जो हैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी ये ना सोचे कि राज्य सरकार उसे उठाएगी। इस तरह के संवेदनहीन बयान दिए जाते हैं जब मौतें होती हैं। और अब एक पुल गिर गया जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई, और ये आम पुल नहीं था, ये आम संसदीय क्षेत्र नहीं था। और अब तो आप राज्य सरकार को भी दोष नहीं ठहरा सकते। देखिए, जब भी एक बड़ा संसदीय, हाई प्रोफाइल संसदीय क्षेत्र होता है तो ये मान के चला जाता है कि व्यक्ति के प्रोफाइल के हिसाब से उसका योगदान भी होता है छोटे छोटे कामों में। और यहां तो खुद प्रधानमंत्री यहां से सांसद है, पुल गिर जाता है और जिस तरह की कार्रवाई, जिस तरह की हरकतें चल रही हैं वहां पर, किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं है। लोगों में इस वक्त बेतहाशा आक्रोश है, जाने गई। और आप जानते हैं, मुझे याद आता है पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वक्तव्य। आपको याद होगा उस वक्त कोलकाता में ऐसी एक ब्रिज गिर गया था और उस वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये भगवान का तरीका है ममता बनर्जी को सजा देने का। ये उनके शब्द थे कि इसी तरह से ममता बनर्जी पूरे पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर देंगी। सवाल ये कि अगर भगवान को ममता बनर्जी के कथित पापों की उन्हें सजा भी देनी होगी तो वो ममता बनर्जी को सजा देंगे ना, बेकसूर आम इंसान को तो सजा नहीं देंगे। और मैं प्रधानमंत्री के उसी तर्क को आज बनारस में रखना चाहूंगा, आज 10 बजे अपने शो में, कि अगर उस वक्त भगवान जो हैं वो सजा ममता बनर्जी को दे रहे थे कि ये ममता बनर्जी पूरे राज्य को बर्बाद कर देंगी, तो आज जब बनारस में उसी तरह से एक पुल गिरा है जिसमें आपने अब तक जवाबदेही तय नहीं की है, अब तक जो नगर सेतु मंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनका इस्तीफा नहीं दिया गया है या उन पर कार्रवाई नहीं की गई है, तो ऐसे में भगवान किसको सजा दे रहे हैं और ऐसे में राज्य को कौन बदनाम कर देगा? देखिए, मेरे शब्द नहीं है ये, शब्द किसी और के नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में इसका प्रयोग किया था। आज मानो कर्म जिसे कहते हैं ना, मानो एक तरह से इतिहास आपको साल रहा है। अतीत में आपका दिया गया बयान, उसकी गूंज हमें फिर सुनाई दे रही है। मुझे याद है आनंद फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक संवाद था कि मौत तू एक कविता है। यकीन मानिए, बनारस में जो हुआ मौत कविता नहीं हो सकती, मौत हमेशा एक हादसा होगा और हमें जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, क्योंकि बनारस कोई आम शहर नहीं है। आपने उसे क्योटो बनाने का वादा किया था और आज क्या हो रहा है? अगर आप बनारस में रहते हैं तो जाइए गली गली में, जाइए छोटी छोटी जगहों में और देखिए वहां क्या हालत है। ये एक अपराध है, आपराधिक उदासीनता है जिसके चलते 18 लोग मारे गए, और इसकी जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है।
बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब एक स्थानीय घटना थी जो हो गई। यहां के सांसद प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमें वादा किया था कि इसे क्योटो बनाया जाएगा और दूर दूर तक क्योटो का कोई नाम नहीं। यहां पर सरकार बीजेपी की है, जवाबदेही तय की जानी चाहिए नगर सेतु मंत्री की, क्योंकि खुद राज्य के डेप्यूटी सीएम है। बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, बनारस की जो घटना हुई है, 18 लोग मारे गए हैं, क्या ये कहकर उससे पीछे हटा जा सकता है कि एक स्थानीय घटना थी, लिहाजा उसमें हम प्रधानमंत्री को कैसे कटघरे में खड़ा करें? देखिए, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो जाहिर तौर पर ये सवाल तो उठेगा ही कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में अगर इतनी बड़ी दुर्घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या नियम कानून की और जो सिस्टम बना है उसकी अवहेलना हो रही थी या नहीं हो रही थी। कुल मिला के कहा यह जा रहा है कि इस पुल का निर्माण दिसंबर 2018 तक होना था और सरकार की और उसमें देरी हो रही थी और सरकार चाहती थी, राज्य सरकार जो भी बीजेपी की सरकार है, कि लोकसभा चुनाव अगले लोकसभा चुनाव से पहले तक पुल पूरी तरह से तैयार हो जाए ताकि उसका कोई सियासी मुनाफा भी उठाया जा सके। बीच में ये भी कहा जा रहा था कि रेलवे की कोई जमीन है जिसके अधिग्रहण में दिक्कत आ रही है। जब एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि कांग्रेस जैसी उनकी सरकार नहीं है, सारे मंत्रालयों में आपस में बहुत अच्छा तालमेल है, तो फिर ऐसे में रेलवे की जमीन के अधिग्रहण में देरी क्यों आ रही थी, इस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए। और यही नहीं, जो जल्दबाजी हुई है जिसका जिक्र यहाँ विजय कर रहे थे, क्या वो जल्दबाजी वजह साबित हुआ इस हादसे का? और सवाल ये यहाँ पर विजय कि किसी तरह की कोई राजनीतिक जवाबदेही नहीं, नगर सेतु मंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, जवाबदेही नहीं है। वही हमने गोरखपुर में देखा था, स्वास्थ्य मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं थी, तो यहाँ जवाबदेही का एक बहुत बड़ा संकट मुझे दिखाई दे रहा है। ये सारी पार्टियों के साथ है, जो विपक्ष में रहता है वो जवाबदेही पारदर्शिता की बात करता है, जब सत्ता में आता है तो खुद को बचाने की कोशिश करता है। खुद को बचाने के लिए दो तीन जो अधिकारी हैं उनकी बलि दे दी गई है, उनको सस्पेंड कर दिया गया, ये मान लिया गया कि लापरवाही के कारण हादसा हुआ, ये कहा गया कि 48 घंटे के अंदर हम एक जांच कमेटी बैठाएंगे जो फैसला दे देगी, है उसके बाद वो जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी नहीं आएगी, आएगी जो सिफारिशें होंगी वो अगले किसी पुल के निर्माणाधीन पुल के दौरान उस पर अमल होगा नहीं होगा, और इस बीच इस्तीफे की मांग विपक्ष एक बार दो बार तीन बार करके रह गए। बिल्कुल, और एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका। एक बार फिर मैं उस वक्तव्य की याद दिलाना चाहूंगा जब प्रधानमंत्री ने कहा था और जब कोलकाता में ब्रिज गिरा था, कि जिस तरह से ब्रिज गिरा है ये भगवान का तरीका ये बताने के लिए कि ममता बनर्जी पूरे पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर देंगी। प्रधानमंत्री, मुझे उम्मीद है आपको अपना वो वक्तव्य याद होगा। सवाल ये कि जब बनारस में पुल गिर जाता है जिसे हम क्योटो बनाने का वादा था, जिसमें अब तक कोई राजनीतिक जवाबदेही नहीं है, तो यहां कौन किसे बर्बाद कर रहा है।